में बात कर रहा हूं कि लाडली बहना योजना का बहुत बड़ा इफेक्ट होगा और लाडली बहना योजना एक मास्टर स्ट्रोक है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। अगर सरकार बनी तो लाडली बहना योजना का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। इसको किस तरीके से देखते हैं आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है, लेकिन राजनीति की जानकारी ये मानते हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी है वहां पर। नहीं, मैं भी बोल रहा हूं, मैंने यही कहा कि जब कुंडली के आधार पर मैं देख रहा हूं तो उस दौरान तो शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के कुशल और प्रखर और विकास उनके भारतीय जनता पार्टी में के प्रदेश के मुखिया रहे हैं और उन्होंने जो विकास किया उसकी लहर दिख रही है। परंतु जो कुछ कारण थे, छोटे छोटे जो कारण थे नीचे धरातल के, उस कारण से जो लंबी खाइयां हो गई थी उन खाइयों में लाडली योजना के अंतर्गत भरपाई हो पाई है। और यदि अच्छे से निकलते हैं तो मैंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी का कुंडली में योग बनता है। मैं बताऊं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरा का विरोध नहीं है, शिवराज जी के कार नीति का विरोध नहीं है। लंबा समय हो गया जनता बदलाव चाह रही थी, साथ साथ ये है कि कुछ नीचे के स्तर पर जो नीचे के जो लोग होते हैं उनके कारण कहीं जनता के मन में असंतोष था, उसका ये सामने दिखाई दिया है। उनकी योजना है वो लाभदायक है, लाडली योजना नहीं होती तो क्या कांग्रेस 150 सीट के आसपास जाती, जो मैं देख पा रहा था, मैं समझ पा रहा था। तो जो योजना है उस योजना के आधार पर तो बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा टक्कर है। 2003 की तरह मान के चलिए, जैसे मध्य प्रदेश में उमा भारती जी की जब लेंथ थी, उनकी जब लहर थी तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी जी, वही लहर पुनः कांग्रेस के पक्ष में उस तरह की दिख रही है जी, ये स्थिति है। उसी के कारण ज्यादा गैप नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत भारी अंतर नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस के जब देख रहा हूं मैं अपने हिसाब से जो हमारा तरीका है बताने का, उसमें कांग्रेस की सरकार बनते प्रथम दिख रही है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि निमंत्रण पहला कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। अच्छा ठीक है, कुंडली महाराज जी आप कह रहे हैं कि 2018 जैसा सहयोग बन रहा है, लेकिन